Yes, Assalamu alaikum. Salam. मोहम्मद दानियाल कौन है इसमें? सर मैं हूँ कुलसुम। कौन? अच्छा कुलसुम आप हैं। जी सर। ये भी चैप्टर नंबर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन के लिए हर छोटे छोटे चैप्टर की इम्पोर्टेंट है। तो लिखिए बायो मॉलिक्यूल्स। देखिए बायो मॉलिक्यूल्स आपको मालूम है कार्बोहाइड्रेट वगैरह होता है जो हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात ये है कि बायो मॉलिक्यूल्स की एक ओल्ड डेफिनेशन थी, उसको कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड कार्बन हैविंग जनरल फॉर्मूला इज CXH2O Y। ये पहले ओल्ड डेफिनेशन ये थी। इस तरह के फॉर्मूले को बहुत सारे कंपाउंड फॉलो किए, कार्बोहाइड्रेट कहलाए। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जो फॉलो ना करके भी कार्बोहाइड्रेट कहलाए। इसके नाम से साबित है बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। सॉरी, पहले टॉपिक क्या है? कार्बोहाइड्रेट। समझ में बात आई? क्या पढ़ना है सबसे पहले जल्दी बताएं? कार्बोहाइड्रेट की ओल्ड डेफिनेशंस क्या थी जल्दी बताएं? CXH2Y। हाइड्रेटेड कार्बन। हाँ तुम मत बोलो, तुम्हारी आवाज खराब लगती मुझे। हाइड्रेटेड, उसके अलावा कोई बोले? हाइड्रेटेड कार्बन को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। लेकिन एक मॉडर्न डेफिनेशन आई, मॉडर्न का मतलब न्यू डेफिनेशन आई, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, मेरे साथ साथ लिखिए, कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग आइदर वन अल्डिहाइड और वन कीटोनिक ग्रुप, या तो एक अल्डिहाइड ग्रुप हो या एक कीटोनिक, दोनों में से कोई एक। द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग आइदर वन अल्डिहाइड और वन कीटोनिक ग्रुप, पहले यहां तक लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। जी सर, गुड। उसके बाद उसी में कंटिन्यू कीजिए, कंटेनिंग मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए। समझा कि नहीं? कंटेनिंग मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन एडजेसेंट कार्बन, एक ही कार्बन पर नहीं हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक से ज्यादा हो। क्योंकि एक ही कार्बन पर दो OH होता है तो फर्दर वाटर का रिमूवल होके CO बना देता है, इसलिए होना नहीं चाहिए। तो मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन एडजेसेंट कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। ये फॉर्मूला हुआ कार्बोहाइड्रेट का, ये जनरल फॉर्मूला। फिर से, एक से ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक या एक अल्डिहाइड या एक कीटोनिक ग्रुप हो, वन से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो। जैसे सबसे छोटे मेंबर का जो एग्जांपल है इसमें, जैसे CHO, C पर OH एंड
CH2OH. अब देखिए इसको हम क्या कहेंगे, देखिए इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना. इसका नाम देखिए एल्डिहाइड है तो अल्डो पढ़ेंगे, और कार्बन तीन है तो ट्राई पढ़ेंगे. कार्बोहाइड्रेट को दिखाने के लिए हम ओज लिखते हैं, ओज, जैसे अल्कोहल है तो ऑल, एल्डिहाइड है तो अल, कार्बोहाइड्रेट में अल्डो ट्राई ओज. आपके पास सी एच ओ है, सी एच ओ एच है, फोर टाइम्स है सी एच टू ओ एच, छह कार्बन है अल्डो हेक्सोसिस को हम ग्लूकोज कहते हैं, जो पढ़ेंगे अलग से. सी एच टू ओ एच है, सी पे डबल बॉन्ड ओ है, सी एच ओ एच थ्री टाइम्स है सी एच टू ओ एच. देखिए कीटोनिक है, इसको फ्रक्टोज मतलब कीटो हेक्सोस कहते हैं. तो देखिए एक एल्डिहाइड है, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें तीन कार्बन है, तो अल्डो ट्राइओज, अल्डो हेक्सोस, कीटो, कीटो हेक्सोस वगैरह कहते हैं. समझा कि नहीं, कोई कंफ्यूजन? समझा कि नहीं, अगर आपको उसको मालूम है इसको ग्लाइसरल डिहाइड कहते हैं. आगे बढ़े. हेलो एवरीवन, सर डन Done, everyone done. 2 minutes, sir. एक मिनट सर, बिहार की है ना, एक मिनट. कंफ्यूजन अभी भी नहीं लिखा. डन सर, डन डन डन, गुड. अब आइए नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा कि टाइप्स ऑफ कार्बो या क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, पहली क्लासिफिकेशन जो है, पहला है मोनोसैकेराइड. तो देखिए मोनोसैकेराइड में आपको ये याद रखना है, देखिए जो भी अभी डिफिनेशन होगी टाइप्स में वो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पर होगी, और से सुने, जो हाइड्रोलिसिस होके फर्दर कोई स्मॉलर यूनिट ना दे पाए उसको मोनोसैकेराइड कहते हैं. जो हाइड्रोलिसिस होने पर दो मोनोसैकेराइड दे उसको हम डाइसैकेराइड कहते हैं. तो मोनोसैकेराइड का मतलब ये हुआ कि कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू द स्मॉलर यूनिट, मतलब जो हाइड्रोलिसिस होने पर भी कुछ भी ना दे. समझ में बात आई? हेलो एवरीवन. अरे बायो वालों को समझ में आ रहा है ना? हेलो. यस सर, जी सर. यस सर. मैथ वालों को आ रहा है? मैथ वाले, बायो वालों को तो आ ही रहा होगा. हाँ जी सर. यस सर. हाँ आपको ये भी चैप्टर डिटेल में पढ़ा जाएगा, खासकर अमीनो एसिड सब, इसलिए हर दिन पढ़िए, पढ़ के आइए. स्मॉलर यूनिट ये सब छोटा चैप्टर है, बहुत काम का चैप्टर है. कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज इंटू स्मॉलर यूनिट, can't be further hydrolyzed into a smaller unit. इसके बाद हम everyday life पढ़ाएंगे, लेकिन इन दोनों की practice करा के थोड़ा सा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा नाम tough है everyday life में, इसलिए दो की practice कराने के बाद
जनरली क्या कैन नॉट कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज इनटू अ स्मॉलर यूनिट, समझा? इसमें एग्जांपल सब जो होंगे वही C3 वाले होंगे, C4 वाले होंगे, C5 वाले होंगे, C6 वाले होंगे। जैसे बेस्ट एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह, राइबोस सब आता है इसी में। खैर दो मेन एग्जांपल आप याद रखें, क्योंकि देखिए जी वालों को ज्यादा PhD नहीं करनी, उतना ही पढ़ना है जो NCERT में है वही पर, ये सब टॉपिक NCERT के बाहर का पढ़ना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ें, कोई ज्यादा PhD नहीं करना है, क्लियर है? यस सर। यस सर। मोनोसैकेराइड का मतलब जो फर्दर हाइड्रोलाइज ना हो स्मॉलर यूनिट में। आगे बढ़ें, यस सर, वेरी गुड। दूसरा पर ये डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड किसको कहते हैं तो लिखिएगा, गिव टू यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड, टू यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस। जो दो मोनोसैकेराइड में, इसी में दो यूनिट में आप पढ़िएगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, वो सब बाद में पढ़ेंगे, अभी आज तो क्लासिफिकेशन और ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे। खैर इसके जो बेस्ट एग्जांपल हैं बहुत सारे हैं, माल्टोज हैं, लैक्टोज हैं, शुक्रोज हैं, ये सब आपको डाइसैकेराइड में पढ़ेगा, और खासकर हम लोगों को तीनों के बारे में पढ़ना है, क्योंकि 12th में जो लोग ये पढ़े हैं उसमें कुछ रिड्यूस सिलेबस में भी था, लेकिन हम कंपटीशन में कुछ भी रिड्यूस सिलेबस में नहीं पढ़ाएंगे, सब पढ़ेंगे। आपको देख लिया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। हाँ, डाइसैकेराइड का जनरल फार्मूला जो होता है ना, वो C12H22O11, सबका यही फार्मूला होगा, चाहे माल्टोज हो, शुक्रोज हो, लैक्टोज हो, कुछ भी हो। आया समझ में? हेलो एवरीवन, कुछ तो बोलिए। हेलो, यस सर। यस सर, हो गया। यस सर, माशाल्लाह। तीसरा ये है कि देखिए ऐसे तो बहुत सारी यूनिट्स होगा, एक होता है ओलिगोसैकेराइड, तो ओलिगोसैकेराइड जो होता है ये बेसिकली ये भी डाइसैकेराइड ही है, ट्राइसैकेराइड भी है, इसमें गिव 2 to 10 यूनिट, 2 to 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड, या 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट। मोनोसैकेराइड यूनिट अपॉन हाइड्रोलिसिस या ऑन हाइड्रोलिसिस, जो 2 to 10, ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है हाइड्रोलिसिस। तो ये आपका हो गया ओलिगोसैकेराइड्स। Any problem? मतलब जनरल फॉर्मूला की तरह लिखना चाहो, सब में 6 कार्बन तो होगा, देखो ओलिगोसैकेराइड में 6 कार्बन वाले होंगे, तो 2 to C6 10 यूनिट तक। जैसे पहला एग्जाम डाइसैकेराइड में था ना, C12H22O11, बोलो ना यार, हेलो हेलो एवरीवन। अरे यार कुछ तो बोले जोर से। यस, ओलिगोसैकेराइड में जो भी एग्जांपल होगा उसमें कार्बन 6 होंगे। चलिए आगे बढ़ें, 6 को 2 से लेके, यानी कार्बन का मतलब 12 है, मतलब C6 जनरल में कंडेंस फॉर्म में मैंने लिख दिया है, C6 टू टाइम्स से लेकर, जैसे तीसरा होगा तो C6 3 होगा, चौथा होगा तो 6 होगा, यानी ये है कहने का मतलब, 2 to 10 यूनिट्स का मतलब यहाँ पर ये है। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। जी सर, बढ़ें। यस सर। सर चौथा है पॉलीसैकेराइड, ये पॉलीसैकेराइड ये है
कि जो गिव लार्ज नंबर ऑफ, साथ साथ लिखते ही रहिए सब आसान है, लार्ज नंबर ऑफ मोनो, ये पॉलीमर हुआ एक तरह से मोनोमेरिक मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस, समझा कि नहीं, ये टेस्टलेस होता है, ये सब टेस्टलेस होता है, ऐसे ये सब तो मैं वहां लिखवाऊंगा छोटे छोटे फॉर्म, जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, वाटर इनसोल्युबल, एग्जांपल में सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज क्या होता है कहाँ, ये सब आप उसके डिटेल में पढ़ेंगे, स्टार्च है, स्टार्च में भी दो है, एमाइलोज एनाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजेन है, तो ये तीनों आपको पढ़ना भी है अलग से, ये सब एकदम पढ़ पढ़ के रखे हैं, स्टार्च ग्लाइकोजन, ये हुआ आपकी क्लासिफिकेशन। Did you understand everyone? Yes. Yes, sir. Good. Very good. अब आइए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? Yes, sir. अब देखिए नीचे नोट लिखिए। देखिए गौर से सुनेगा कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इज आल्सो क्लासिफाइड एज, इज आल्सो क्लासिफाइड एज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, reducing and non reducing sugar, दिक्कत लिख लें यहां तक? यस सर। अब आइए रिड्यूसिंग शुगर उसको कहते हैं, मेरे साथ साथ लिखिए, इसके लिए देखिए 11 12 पास आउट हैं, इसमें थोड़ा एल्डिहाइड कीटोन का कॉन्सेप्ट आएगा, अब जो अच्छे से पढ़ चुके हैं, द कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, नाम सुना है 12th वाले? यस सर। यस सर। यस सर। एंड फेलिंग सॉल्यूशन, अब ये कोई ना जानता है इसलिए एल्डिहाइड कीटोन की कुछ विशेषताएं इसमें आएंगे, द कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, इस कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, इसके एग्जांपल अभी बताए जाएंगे, पहले लिखें। लिख लिया सारे लोग? यस यस। हिजाज तुम फूंक क्यों मार रहे हो भाई?
सॉरी सर, वो मैं खाना खा रहा था, सॉरी खाना खा रहा था सर, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ देखें तो रिड्यूसिंग शुगर सबको समझ में आया, जल्दी बताएं। यस सर। क्या होता है रिड्यूसिंग शुगर, सब लोग मिलके बताएं, जो क्या करता है? रिड्यूस करता टॉलरेंस रिड्यूस। हाँ अब सुने, एग्जांपल में याद रखो, ऑल मोनोसैकेराइड जितने हैं, ऑल मोनोसैकेराइड आपको रिड्यूसिंग शुगर है, और आपके पास जो है डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड में आपको लैक्टोज है एंड माल्टोज भी है, पॉलीसैकेराइड तो कभी है ही नहीं, समझा? हेलो एवरीवन। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ इसमें एक डाउट हो सकता है, अच्छा बताओ, टॉलिन्स रिएजेंट को वही, और टॉलिन्स रिएजेंट फिल्म सॉल्यूशन को वही रिड्यूस करता है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो, मालूम है सबको? अरे ये मालूम है कि नहीं है, ये पहले बता दें। नहीं सर। नो सर। अरे तुम ट्वेल्थ नहीं पढ़ो भाई, अल्लाह काश मेरी कौन इस हकीकत को समझ ली होगी। चलो तो एल्डिहाइड कीटों में पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे याद रखो, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शंस करने के लिए, तुम लोग ट्वेल्थ एक जरा नहीं पढ़ो यार, एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए इसमें। अब तुम जबकि यही नहीं जानते, मैं क्या बताता, यहाँ देखो, लेकिन सर तो फ्रक्टोज फिर क्यों दिया, इसमें तो कीटोन है, तो जब आप मुझसे टॉलेंस रिएजेंट पढ़े होंगे ट्वेल्थ में, तो टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग कीटोन, टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जहां होगा वो टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन के साथ देता है। क्यों? ये इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप आ ही जाता है, कैसे? यहां देखें, इसको मतलब ये कि सी एस थ्री है, सी डबल बॉन्ड ओ है, एंड सी एस टू, दिस इज कॉल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन हुआ तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये अभी पूरा बताना मुश्किल है, ये टॉटोमेराइज होके इसमें ये लास्ट में जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप बन ही जाता है। क्या बन जाता है जल्दी बताएं? एल्डिहाइड ग्रुप। तो आप देखें कि ये भी आपको क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, देखो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, तो कीटो हेक्सोस अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। मैं फिर से बोल देता हूँ, टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट करने के लिए जरूरी है कि उसमें एल्डिहाइड हो, पहली बात। कीटोन रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट देता है। उसका रीजन ये है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉटोमेराइज होकर एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, वो एल्डिहाइड और कीटोन में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस ये समझें कि टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट करने के लिए एल्डिहाइड ग्रुप का होना जरूरी है। तो एक इसमें फ्रक्टोज में स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर फ्रक्टोज तो नहीं देगा, फ्रक्टोज में तो कीटोन है, लेकिन ये फ्रक्टोज कीटोन है, लेकिन ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। जिस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा तो वो कीटोन भी टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट देगा, बिकॉज वो टॉटोमेराइज होकर एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। सुना सारे लोग, कुछ आया समझ में? ऐसे पूरा आप एल्डिहाइड कीटोन में डिटेल में पढ़ेंगे, ये पूरा टॉपिक ही है टॉलेंस टेस्ट फेलिंग सॉल्यूशन। खैर अब आइए, द कार्बोहाइड्रेट which do not reduces the tolerance reagent and failing solution is called, इसलिए याद रखो कार्बोहाइड्रेट की समा, अभी अभी आज आज तो एल्डिहाइड कीटोन आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, हाँ अमीनो एसिड में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट में जानना है।
वो तो हम थोड़ा सा रिवीजन करा देंगे, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत किसी को डाउट होगा भी तो वो एल्डिहाइड कीटोन की प्रेजेंस को नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि अभी और ज़्यादा आगे एल्डिहाइड कीटोन की बात होगी। द कार्बोहाइड्रेट विच डू नॉट रिड्यूस द टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन, इसको नॉन, इसमें सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है शुक्रोज एंड ऑल पॉलीसेकेराइड, जितने पॉलीसेकेराइड हैं वो सब नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं। समझ में बात आई? यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलिए, तो ये पूरी क्लासिफिकेशन हुई। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि हमें जो सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ना है मोनोसैकेराइड में, वो है ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज C6H12O6, पहला पॉइंट कि इट इज अल्डो, इधर सुने लिखेंगे ना, अल्डो हेक्सोज and which is and मैं फिर वही कहूंगा, आपको केमिस्ट्री आनी चाहिए। डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब होता है जो क्लॉक वाइज रोटेड, ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ा है ना 12th में, डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर। अरे बोल, हाँ, ये बीच में थोड़ा बहुत पीछे का कंसेप्ट आएगा जो ना पढ़े। इट इज अल्डो हेक्सोज एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। सर कैसे पता चला कि ये क्लॉक वाइज रोटेट करेगा, ये आप नहीं बता सकते, उसके लिए कायरल कार्बन होना चाहिए। यू नो कायरल कार्बन, 4 अटैच एटम डिफरेंट होना चाहिए। यस सर। हाँ, इसमें कायरल कार्बन होता है तो वो क्लॉक वाइज रोटेट कर सकता है या एंटी क्लॉक वाइज। तो अब गौर से सुनो अच्छे से, एल्डिहाइड आपको मालूम है CH डबल बॉन्ड O होता है, सी पर OH, सुनो अच्छे से लिखना मत, एंड C पर OH लिखना नहीं है, C पर OH, एक मिनट। तो अल्डो है, पहले हम आपको ये सिखाना चाह रहे हैं बेसिकली, CH डबल बॉन्ड O, C पर OH, H, C पर OH, H है, C पर OH, H है, C पर OH, H है, एंड सी एस टू एच। और सुनो, इसमें कायरल सेंटर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, चार कायरल सेंटर हैं, जल्दी बताओ सारे लोग। यस सर। जानते हैं, इसमें आप पढ़िएगा भी, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने हैं, 2 to the power 4। ग्लूकोज के 16 डिफरेंट फॉर्म होते हैं। अब 16 डिफरेंट फॉर्म को तो पढ़ना है नहीं आपको, तो इसलिए ग्लूकोज का जो मेन होता है, मेन जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें हमेशा याद रखिएगा कि सी एच डबल बॉन्ड हो, कार्बन पर ओ एच, फर्स्ट कार्बन, ये द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कार्बन पर एच जो है वो आपको लेफ्ट राइट साइड लिखना है, और बाकी ओ एच सेम साइड रहेगा। तो ग्लूकोज का जो फॉर्म एनालाइज किया गया उसने, हाँ, अब इसका ये मतलब नहीं कि ये ग्लूकोज नहीं, हमने कहा 16 डिफरेंट फॉर्म है, समझा, आप H को एक साइड लिखे, लेकिन इस ग्लूकोज का जो आपको मेन स्ट्रक्चर पर करना है तो थर्ड कार्बन पर, इसलिए आप पढ़िएगा अभी आप एक कंसेप्ट, एनोमर एंड एपीमर, मैं सब धीरे धीरे अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे आप। एनोमर और एपीमर्स ये क्या होता है, इसीलिए बायोमोलिकुल्स के लिए थोड़ा सा पीछे का कॉन्सेप्ट आना चाहिए था, तो 12th पास है तो आपको आएगा, ठीक। बाकी आगे फिर कोई काम नहीं है, अमीनो एसिड सब नहीं, यहाँ देखिए सी पर OH है, कितने कार्बन होंगे, 1, 2, 3, 4, सी पर OH एंड सी एस, दिस इज द, जब भी याद रखिए ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में याद रखिएगा थर्ड कार्बन पर कन्फिगरेशन चेंज है, समझा कि नहीं, किस कार्बन पर जल्दी बताएं, थर्ड कॉन्फ़िगरेशन, यस, इसको लिखिए तो, अच्छा एक मिनट, पहले तो यहाँ लिखिए सारे लोग,
इसलिए आंसर सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए। ये लाइट तो बहुत बोलती है भाई, जल्दी लिखे। डन सर। हाँ लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। तो देखिए सारे लोग ध्यान दें, कि एक वर्ड आता है एपीमर। क्या आता है जल्दी बताइए? एपीमर। तो एपीमर आपको मालूम है स्टीरियो आइसोमर में ही, पहली बात एपीमर के लिए क्या होना चाहिए? स्टीरियो आइसोमर, काइरल सेंटर होना चाहिए। सबको समझ में आया? एपीमर और एनोमर के लिए जरूरी है, तो मैं लिख देता हूं कि बीच में जब आए तो आपको मैं समझा सकूं। देखिए एन एपीमर मेरे साथ लिखिए इज अ स्टीरियो आइसोमर। That differ in configuration. At any single chiral center. किसी भी chiral center. समझा कि नहीं? जैसे यहाँ पर देखो, एक मिनट बताओ, इस कायरल में किसी भी के, थर्ड कायरल कार्बन पर चेंज हो गया कि नहीं? अरे बोले हेलो एवरीवन, ये हाँ, तो ये स्टीरियोआइसोमर, ये कायरल, तो ये एपीमर्स कहलाएगा। अरे कौन हंगामा कर रहा, खांसी कर रहा भाई? वही है एपीमर। आप इसको जनरल भी में अगर कार्बोहाइड्रेट के रेस्पेक्ट में कहें तो मैं इस तरह भी लिख देता हूँ कि एपीमर्स बेसिकली क्या है इस चैप्टर के लिहाज से, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इस चैप्टर के लिहाज से एपीमर आर कार्बोहाइड्रेट, इस चैप्टर के लिहाज से लिख रहा हूं मैं जनरल, ये मैंने बता दिया। विच वेरी, ये सब वर्ड लिखा हुआ है, एनोमर एपीमर्स आर कार्बोहाइड्रेट विच वेरी इन वन पोजीशन, किसी भी वन पोजीशन पर, किसका? फॉर द प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
देखिए हाइड्रोक्सिन ग्रुप की पोजीशन चेंज है फॉर द प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्लियर है कि नहीं? हेलो एवरीवन, यस सर। कोई भी क्या है कि दो ए और बी दो स्टीरियो आइसोमर है, इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि ये लास्ट में क्या लिखे सर? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखो जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्लेसमेंट चेंज हो गया ना, तो देखो हाउ टू आइडेंटिफाई एपीएमआर। तो याद रखो ए और बी दो स्टीरियो आइसोमर है, किसी भी एक कायरल सेंटर पर, जैसे यहाँ देखो इसको हमने मान लिया ए, इसको हमने मान लिया बी, ये जो ए और बी है दूसरे का एपीएमआर है। बताओ आया समझ में? अरे यार कुछ तो बोलो। नो सर। नो सर, क्या समझ नहीं आया समझ में, क्या बोल रहा है? नो सर, हाँ बोलो। अरे ये नो सर वाला क्या बोला? हेलो सर, आवाज नहीं आ रही थी, क्या बोले आप? बिहार ये है, ये इसको, ये भी ग्लूकोज है, इसको ए मान लो, ये भी ग्लूकोज है, इसको बी मान लो, ए और बी एक दूसरे का एपीएमआर हुआ, ये कहने का मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज है ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप का एक कार्बन पर, एक कायरल सेंटर पर। यस सर। ओके। अरे मुसर्रत को आवाज आ रही है? मुसर्रत, खैर तो आप गौर से सुनिए। तो ये हम लोग ग्लूकोज के बारे में सबसे पहली बात केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़िए, केमिकल प्रॉपर्टीज पहला रिडक्शन लिखिए मेरे साथ साथ लिखिए। व्हेन, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हेन ग्लूकोज is reduced with, when glucose is reduced with HI in the presence of red phosphorus gives n hexane। glucose में 6 कार्बन है, तो कोई भी कहेगा glucose का reduction होने पर क्या बनता है, तो n hexane बनता है। इसलिए सारे लोग हाँ या ना जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। अच्छा सुनिए अच्छे से, मैं फिर वही बताऊंगा ना कि चूंकि देखिए पॉलीमर में तो पीछे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए आप समझ गए। एवरीडे लाइफ में भी कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होगा पीछे का। हाँ, एवरीडे लाइफ में एक आध जगह पूछ चुका है पेनिसिलिन में हाउ मेनी कायरल सेंटर, कोई बात नहीं हो तो आप समझ जाएंगे। लेकिन बायो मॉलिक्यूल्स में आपको थोड़ा ऑर्गेनिक का पीछे का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जैसे यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर कोई इसको रट के पढ़ लेगा तो वो भूल जाएगा। जो मुझसे पूरी ऑर्गेनिक पढ़े हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है रेड पी प्लस एच आई, और इसका नारा मैंने दिया था ऑर्गेनिक में, जो भी इससे टकराएगा अल्केन बन जाएगा, जो भी इससे टकराएगा क्या बन जाएगा, अल्केन, अल्केन बन जाएगा। कोई भी पूरे पूरे ऑर्गेनिक में बताओ, कोई भी पूछे अल्काइल हैलाइड रेड बी और एच आई के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, अल्केन। अल्डिहाइड क्या बनाएगा, अल्केन। कीटोन रेड बी एच आई के साथ क्या बनाएगा, अल्केन। देख लेना कहीं पर भी, सीओ एसाइल क्लोराइड रेड बी एच आई के साथ करके क्या बनाएगा, अल्केन। कार्बोक्सिलिक एसिड रेड बी और एच आई के साथ क्या बनाएगा, अल्केन। इसका ये नारा याद रखो, जो भी इससे टकराएगा अल्केन बन जाएगा। याद रहेगा सबको, हाँ या ना, अल्केन बन जाएगा। अरे बोलो ना यार, क्यों नहीं बोल पा रहा ये लोग? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। हाँ, रेड पीएच आई का रूल है, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल अल्काइल हैलाइड एस्टर एसाइल हैलाइड अमाइड साइनाइड कुछ भी, जो भी इससे टकराएगा अल्केन बन जाएगा। अरे बोलना। Yes, sir, जो जो टकराएगा अल्केन बन जाएगा। और अच्छा, एच आई रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ग्रुप 17 में पढ़े ही हो, ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, वेरी गुड।
तो रेड पी क्यों लेते हैं ना, बेसिकली होता क्या है असल में कि जैसे ये CH3CH2OH है, मान लो एच आई आया, मान लेते हैं, एक थोड़ा सा बता देते हैं, ये सब पढ़ोगे बीच में, एच दे दिया तो ये एल्केन बना दिया, बाई प्रोडक्ट बन जाता है आई टू, तो फिर क्या होता है, इसलिए दोनों बिहारा आपस में गुलू गुलू करने लगता है, फिर आइडो एल्केन बना लेता है। तो इस गुलू गुलू को रोकने के लिए, इस दोनों के मोहब्बत को रोकने के लिए रेड पी बैठा हुआ ये आई टू को मार देगा, पी आई थ्री में कन्वर्ट कर देगा, तो ये अल्केन ही रह जाएगा। वरना अगर रेड पी ना लिया जाए, अल्केन बना, फिर से ये सी एस थ्री सी एस टू आयोडिनेशन ऑफ अल्केन हो जाएगा। अरे बोलो ना, हेलो। और ये रिएक्शन रिवर्सेबल भी हो सकता है, इसलिए इसको बचाने के लिए है ना रेड पी लगा देते हैं। इसलिए याद रखिए केमिस्ट्री में ये इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कि मैं क्या बताऊं। तो ये यार, इसलिए अब ये समझने वाला हो गया, तो एनहेक्सेन हो गया। अरे बोलना यार, कुछ तो बोल दे। CHOH4 है, CH2OH है, दे देगा, कहेगा बताना बताना क्या बना, तो कुछ नहीं बोलो, कहे जो भी टकराएगा अल्केन बन जाएगा ये अल्केन। इससे ये साबित हुआ कि ग्लूकोज हैज ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर, दिस रिएक्शन शोज ओपन चेन स्ट्रक्चर, तभी तो ये नॉर्मल हेक्सेन बना। ये सब भी पूछ सकता है दिस रिएक्शन। अरे बिलाल रब्बानी को कुछ आ रहा है समझ में यार उसको, दिस रिएक्शन शोज आ रहा है सर, शोज ओपन। तो ट्यूजडे को नई बिल्डिंग में क्लास हो रही है, मालूम है ना तुम्हें? जी सर, माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, ओपन चेन स्ट्रक्चर। और कहाँ पे नई बिल्डिंग है सर? अरे वहीं पर आगे है, जस्ट उसी के आगे है। ओके सर, तू आना, सब मालूम हो जाएगा, तू आना यार, आना गुरु दक्षिणा लेके आना, हम इंतजार कर रहे हैं। कॉलेज खुली हुई है इसलिए दिक्कत होता है सर, एकदम उसी टाइम क्या दिक्कत होगा, तो छोड़ना, नाव पर दो दो सवारी कर रहा है बिहारी कहेगा, तू आना गुरु दक्षिणा दे फिर चला जा। जी सर, उसके लिए तो आएंगे सर। हाँ बस वहीया वहीया, उसका 1% का मिठाई भी खिला देंगे, आना तू। ठीक सर, ठीक। लिख लिया सारे लोग? मुसर्रत नाम की लड़की को आवाज नहीं आ रहा है क्या? मेरी आवाज सबको आ रही है अच्छे से? यस सर, यस सर। हाँ मुसर्रत कौन है, उसको और मैसेज लिख रही है, आवाज ना आ रहा है, वो कान का इलाज करवाए भाई। हाँ आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर, यस सर। ये छोटा सा है, 15-20 मिनट पढ़ लीजिएगा सारे लोग, सुना सारे लोग, उसके बाद फिर पढ़िएगा दूसरा। हाँ पढ़ के फिर जो जैसा आपका शेड्यूल है वो पढ़ेंगे, एक स्टूडेंट की तरह नहीं रहेंगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ये चैप्टर में इंफॉर्मेशन काफी है, इसलिए एक साथ फिर अभी तो स्ट्रक्चर सब बहुत बाकी है बताना, इसलिए पर डे के लिहाज से पढ़ें। लिख लिया, आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। चलो दूसरा है ऑक्सीडेशन। तो देखो जब आप ऑर्गेनिक पीछे पढ़ा होगा 12th में, तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में होता है, उसमें एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि स्ट्रांग होता है। इसका दो पार्ट हम पढ़ेंगे, पहला पार्ट लिखो, व्हेन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड, व्हेन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड विथ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज, जैसे ग्रुप 17 में पढ़े थे ब्रोमीन, ब्रोमीन Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर, तो ये गिव्स ग्लूकोनिक एसिड, क्या बनता है ग्लूकोनिक। मालूम है ना सबको? ग्लूकोनिक स्ट्रॉन्ग में बनता है ग्लूकोनिक एसिड।
इसलिए सारे लोग हाँ या ना। सर वो ग्लूकोनिक एसिड है ना? कौन? हाँ ग्लूकोरिक है। ग्लूकोरिक है, क्योरिक स्ट्रॉन्ग के साथ ग्लूकोनिक बनाता है। हाँ लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? यस सर। यस सर लिख लिया। तो एक मिनट रुक जाइए, इसमें कंफ्यूजन है, एक मिनट रुक जाइए। एक होता है सैक्रिक एसिड, है ना, वो सही था, पहले ही वाला वर्ड सही था, ग्लूकोनिक ही लिखिएगा। वो एक होता है सैक्रिक, ग्लूकोरिक उससे बनता है, ग्लूकोनिक एसिड ही लिखिएगा। एक ब्रोमीन वाटर में मैं फार्मूला लिख देता हूँ क्या होता है। तो ग्लूकोज ऑक्सीडेशन जब करेगा ब्रोमीन वाटर के साथ तो क्या बनाएगा? ग्लूकोनिक एसिड। हाँ निक होगा, स्ट्रॉन्गर के साथ रिक होगा। यहाँ देखिए, खैर यहाँ देखें CHO है, CHOH आपके पास फोर टाइम्स है, CH2OH है, Br2 आपको मालूम है हाइलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आपको इसमें क्या होगा कि CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा बस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। अगर ऑर्गेनिक आप जानते हैं तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही देता है, पढ़ाया ना आपने 12th में। हेलो एवरीवन, तो ये है ग्लूकोनिक एसिड। डिड यू अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड ग्लूकोन। डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन आएगा कि ब्रोमीन वाटर के साथ क्या देगा, तो ग्लूकोनिक एसिड। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। वेरी गुड। इस रिएक्शन से सर क्या पता चलता है, ये सब मैं लिख देता हूं। दिस रिएक्शन सजेस्ट दैट, इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है, दैट कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो एल्डिहाइड है। कार्बोनिल कंपाउंड इस एल्डिहाइड। कीटोन अगर होता तो कीटोन बीकर के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता है, दैट इज एल्डिहाइड। समझ में बात आया कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है? यस सर। हाँ आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे लोग। एक मिनट सर। Sir, okay. Return. Yes, sir. अब इसका B part लिखिए। B part लिखिएगा कि when glucose is oxidized with a stronger oxidizing agent such as concentrated HNO3 gives cyclic acid. साइक्लिक एसिड में क्या होता है, CHO है, CHOH का। अब बताओ यहाँ पर
जब भी आपको कहे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ क्या देगा, तो देखो कार्बोक्सिलिक CHO तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा। अच्छा देखो बीच वाला पार्ट को तुम गौर से देखोगे तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, हाँ या ना, जल्दी बताएं। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी बताएं। ये सेकेंडरी अल्कोहल है ना, तो ये एज इट इज रहेगा। प्राइमरी अल्कोहल आसानी से ऑक्सीडाइज होता है। प्राइमरी अल्कोहल का भी याद रखो, प्राइमरी अल्कोहल भी खुद ये सब अगर पहले से पढ़े हुए होते तो ये सब समझने में और आसानी होती है। पहले यानी 12th का तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप देता ही देता है, अल्कोहलडिहाइड भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप देता है और प्राइमरी अल्कोहल, इसी को सैक्रिक एसिड कहते हैं। तो याद रखने का तरीका कि भाई वीकर होगा तो सिर्फ अल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा और स्ट्रॉन्गर होगा तो अल्डिहाइड और अल्कोहल होगा। इसलिए इस रिएक्शन से क्या पता चला, तो दिस रिएक्शन शोज दैट ग्लूकोज कंटेन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, ग्लूकोज कंटेन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, ये प्राइमरी अल्कोहल होता है। अरे तमीम इकबाल अकरम को समझ में आ रहा है यार, कंटेन्स 1 degree अल्कोहलिक ग्रुप, 1 degree अल्कोहल। अरे तमीम को आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ, तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, निकलिया एक मिनट से। Yeah, hello everyone. Yes, sir. अब आइए अब सुनिए, अब तीसरा रिएक्शन सुनिए, रिएक्शन विथ HCN। इसको समझने के लिए, समझाने के लिए मैं पहले अलग से एक यहाँ समझाता हूँ, इधर सुनो सारे लोग। ये भी अल्डिहाइड कीटोन में तुम पढ़ चुके होगे 12th में। देखो कार्बन अल्डिहाइड कीटोन में CO ग्रुप होता है, HCN के साथ जब भी रिएक्शंस करेगा तो गौर से सुनो, यहाँ से H प्लस आएगा, साइनाइड एक मिनट, और H प्लस आएगा और साइनाइड माइनस आएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ये नेगेटिव तो इस पर H अटैक करेगा, इस पर CN। तो देखो एकदम आसान है, कार्बन पर OH, उसी कार्बन पर साइनाइड, इसको कहते हैं कंपाउंड को साइनोहाइड्रिन। ये 12th के अल्डिहाइड कीटोन में पढ़े हो, तो जब भी कोई अल्डिहाइड कीटोन HCN के साथ रिएक्शन करता है तो उस कार्बन पर OH, उसी कार्बन पर साइनाइड आता है, उसको साइनोहाइड्रिन कहते हैं। तो वही है कि ग्लूकोज भी इसके साथ साइनोहाइड्रिन बनाएगा। बताओ साइनोहाइड्रिन कैसे बना, सबको समझ में, अलग से समझा दिया तो जल्दी बोलो। जी सर, साइनोहाइड्रिन, बस अब आपको ऐसे रिएक्शन दे देगा। ये शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया तो आपको थोड़ा सा आसानी होगी, और ये सब एकदम इम्पोर्टेंट है, रिएक्शन सब पढ़ के जाना है। इस छोटे में कोई ये नहीं कहना ये इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट है, एवरी चीज इम्पोर्टेंट। CH है, OH है, साइनाइड लिख देंगे, बाकी एज इट इज। इसलिए मैंने आपको अलग से पढ़ा दिया कि अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद आ जाए, ये है साइनोहाइड्रिन। क्लियर है? हेलो एवरीवन। या देख लीजिए,
लिख लिया बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। अब आइए रिएक्शन विथ आपको है हाइड्रोक्सिलामीन, ये भी आप एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा है हाइड्रोक्सिलामीन, इसको भी मैं अलग से समझाऊंगा। हाइड्रोक्सिलामीन का फॉर्मूला होता है NH2OH। इधर सुनिए, देखिए एल्डिहाइड और कीटोन जब भी रहेगा तो जब भी हाइड्रोक्सिलामीन बनेगा तो वाटर हटा दीजिए, C डबल बॉन्ड O है, H2 हटा दीजिए NOH, इसको ऑक्साइन कहते हैं, ऑक्साइन। तो वही है कि ग्लूकोज भी यही सब पूछेगा, ग्लूकोज फॉर्म्स ऑक्साइन। ये सब एल्डिहाइड कीटोन में अगर पढ़े हुए हैं तो आपको आसान लग रहा होगा, नहीं पढ़े हैं तो आप समझिए अच्छे से। हाइड्रोक्सिलामीन मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप है, बाकी CHOH पे 4 है, CH2OH है, तो आपके पास NH2OH का रिएक्शन है, तो बस एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट होगा, CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा NOH, तो बाकी एज इट इज रहेगा। समझ में आया स्टूडेंट? समझ में आया स्टूडेंट? यस सर। सर और लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा है? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर, बोला करें भाई। लिख लिया? यस सर। यस सर। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरी।